जय जिनेन, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी मक्की के ढोकले। विंटर में ये बहुत ही चाव से बनाए जाते हैं और इन्हें लंच के रूप में जनरली यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ फ्लेवर्ड बना रही हूँ, इसमें मेथी का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कुछ मेथी के पत्तों को मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। अब यहाँ 1 से 1.5 चम्मच हमने तेल लिया, उसे गरम किया और उसके अंदर डाले थोड़े जीरा। अब उसके अंदर 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और फिर जो मेथी हमने साफ़ करी थी उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा हींग और साथ ही पापड़ का खार। नमक और पापड़ का खार दोनों खारे होते हैं, तो आप उस हिसाब से इनका रेशियो सेट कर लें। अगर आप पापड़ खार नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा मेथी का मसाला थोड़ा सा उबल रहा है, तब तक हम आटा ले लेंगे। यहाँ मैं 4 साढ़े 4 कटोरी मक्की का आटा ले रही हूँ, जो कि 3 से 4 मेंबर्स के लिए सफिशेंट है। इस आटे में मैं थोड़ा सा नमक और साथ में खड़ा धनिया और थोड़ा सा अजवाइन हाथ से मसल कर डाल रही हूँ। अब हमारा ये मेथी का जो मसाला हमने फ्राई किया था और उसके अंदर पानी थोड़ा डाल के उबाला था, वह तैयार है। अब इस तरह से बीच में जगह करते हुए हम इस पानी को इसके अंदर डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लगभग 1 गिलास पानी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। इससे हमारा आटा ज़्यादा गीला नहीं होगा। अब इस तरह से हाथ से दबाकर इस आटे को हम 15 से 20 मिनट तक के लिए रख देंगे। तब तक हमने हमारा स्टीमर भी सिम पे ऑन कर दिया है और जाली को भी ग्रीस कर दिया है। अब 15 मिनट बाद जब हम देखेंगे हमारा आटा, उसको अच्छे से मिक्स करके फिर छोटे छोटे पोर्शन में हम इस तरह से हमारी हथेली वाले पोर्शन से उसको दबाते हुए मसल कर एक जैसा कर लेंगे। अगर पानी हमें कम लगता है तो हम बीच में थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी मदद लेकर और आटे को एक जैसा कर लेंगे। आटा हमें बहुत ज़्यादा टाइट या लूज़ नहीं करना है, मीडियम रखना है। जैसा हम पराठे पूड़ी का आटा लगाते हैं, बस उससे थोड़ा सा नरम, उससे हमारे ढोकले बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। मक्की का आटा भी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा दरदरा होना चाहिए, उससे भी ढोकले बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ फ्लैट और उभरे हुए दोनों तरह से ढोकले हमको हथेली की मदद से किस तरह बनाने हैं आपको बता दिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से ढोकले बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस आटे से मेरे लगभग 8 मीडियम साइज़ के ढोकले बन गए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आटे की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा स्टीमर भी तैयार है। अब हमने ढोकलों को दोनों तरफ से ग्रीस कर लिया है और सिम आँच करके हम उसके अंदर एक बार ढोकले जमा देंगे। ये ध्यान रहे कि ओवरलैप ना हो, ताकि ढोकले अच्छे से सीज सकें और जब इसमें अच्छी स्टीम बन जाए तभी हमको ढोकले रखने हैं। आज ये ढोकले हम मसाला दही के साथ खाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर 1/2 किलो दही लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है और उसको फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में 1/2 चम्मच देसी घी लिया है। उसके अंदर जीरा, 1 चम्मच जीरा डाला है, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, उनको अच्छे से फ्राई किया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हींग ऐड करके थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको ढक देंगे। इससे जो स्मोक होगी बनेगी, उससे हमारी छाछ का, मसाले दही का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब हमारा बघार ठंडा हो जाएगा तब हम फेटे हुए दही में नमक और वो बघार अच्छे से मिला लेंगे और उसको हम हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। ये फ्लेवर मसाले आप अपने अकॉर्डिंग और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन चिली को आप रेड चिली से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ढोकलों को हमें स्टीमर में लगभग 1/2 घंटे के लिए रखना है। स्टार्टिंग में 10 मिनट्स उसको हाई फ्लेम पे और उसके बाद हमको मीडियम हाई फ्लेम पे 20 मिनट्स रखना है। चलिए, टाइम हो गया है और हमने चाकू से चेक कर लिए, हमारे ढोकले एकदम परफेक्ट बन चुके हैं। जब ये हल्का सा थोड़ा ठंडा हो तो हम इसे किसी खुरपे या चम्मच की मदद से इस तरह से आहिस्ता से निकाल कर सर्व कर सकते हैं।